रेवाड़ी ब्रेकिंग, किरण चौधरी के बयान पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल का बयान, बोले कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी फूट जो कि जगजाहिर है। कांग्रेस पार्टी में हर नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में है शामिल, एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं आरोप, आपसी फूट उजागर होकर आ रही है सामने, लालच के लिए होते हैं एकत्रित, विचारों में है मतभेद। नूह में कल हुई घटना पर बोले जो भी उपद्रवी है उन पर पुलिस प्रशासन करेगा कार्रवाई, किसी भी धर्म और जाति का हो उपद्रवी, उपद्रवियों पर सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई। जाति जनगणना पर बोले यह हाई कमान की बात है, अगर पार्टी समझेगी उचित तो करवाएगी जनगणना, जहरीली शराब बनाने वालों पर करेगी सरकार सख्त कार्रवाई। बलराज कुंडू की 19 तारीख को होने वाली जींद रैली पर बोले राजनीति में सब करते हैं प्रयास, लेकिन बलराज कुंडू को नहीं मिलने वाला इसका कोई लाभ। एम्स पर बोले दोबारा टेंडर लगेगा, टेंडर ओपन होने के बाद ही फाउंडेशन की तारीख तय होगी। देखो कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जो फूट है वो सबके सामने है, और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और इनकी एकता कभी नहीं हो सकती। हर नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में है और जनता ने अब देख लिया कि ये एक कभी नहीं हो सकते, और जनता ऐसी पार्टी के साथ कभी नहीं लगती, तो इसका नुकसान पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को होना तय है। और इनके आपस में जब मतभेद हैं कि भाई वो उसका साथ दे रहा है वो उसका दे रहा है, तो ये एक आपसी फूट उजागर होकर बाहर आ गई। जिस तरीके से सीएम के चेहरे के लिए बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता का साथ मिला तो सीएम भी बनने के लिए, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी सीएम बनने के उसमें हैं, किरण चौधरी जी भी हैं, सुरजेवाला भी हैं, तो कई चेहरे कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो आपसी इनका सब एक लालच के अंदर मतलब इकट्ठे होते हैं, बाकी सबकी जो भी इनकी जो भावनाएँ हैं, जो इनके वो है आपस में जो विचार है वो नहीं मिल पाते। तो कल एक नूह के अंदर जो घटना हुई मस्जिद के ऊपर से कुआं पूजने जा रही महिलाओं के ऊपर पथराव किया गया, इस घटना पर देखो जो भी समाज के अंदर उपद्रवी हैं, जो भी गलत काम करते हैं, पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। जो भी दोषी है, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी पार्टी से, किसी से भी संबंध रखता हो, सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। पहले कांग्रेस और अब राजकुमार सैनी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कल सीएम और पीएम का पुतला ही फूंका गया रेवाड़ी में। देखो ये ऊपर के लेवल की बात है, अगर मान लो पार्टी अगर उचित समझेगी तो करवाएगी। एक सर जहरीली शराब का एक बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जहरीली शराब के पीछे काफ़ी मौत हुई जहरीली शराब से। देखो ये कई बार पहले भी हुआ है, और जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, जहाँ से भी जो सोर्स मिलता है और जहाँ से ली है, जहाँ से खरीदी है, उनके खिलाफ सरकार पूरी तरह से सख्त कार्रवाई करेगी। बलराज कुंडू 19 तारीख को जींद के अंदर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा पर कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं। देखो राजनीति के अंदर सबको अपना जनाधार बढ़ाने का अधिकार है, और बलराज कुंडू भी अगर इस तरह के करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मतलब मेरे को नहीं लगता कि उनको कुछ इसका लाभ मिलने वाला है। एम्स की बात करें, एम्स के लिए अभी भी धरना जारी है, टेंडर कैंसिल हुआ, फिर प्रक्रिया चालू, अभी क्या चल रहा है? देखो अभी टेंडर दोबारा लगा है और टेंडर ओपन होगा, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे कि कितनी फर्म्स आती हैं, क्या उनके रेट्स सही हैं, उसी हिसाब से उसका फैसला होगा। उसके बाद ही जब टेंडर ओपन हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ उसकी फाउंडेशन की डेट तय होगी।